बाला किला यानी अलवर शहर का वो किला जिसे आज तक कोई भी राजा नहीं जीत सका। इसी कारण इस किले को कुंवारा किले के नाम से भी जाना जाता है। यह किला अलवर शहर से लगभग 4 किलोमीटर दूरी पर पहाड़ों में स्थित है। इस किले को पर्यटकों के लिए वर्तमान समय में सुबह 8 बजे से सायं 4:30 तक खुला रखा जाता है। इस किले का निर्माण सन 1492 ईस्वी में किया गया था। इस किले की जो सीमावर्ती दीवारें हैं वो दुनिया में स्थित कुछ लंबी दीवारों में से तीसरे नंबर पर आती है। अंत समय तक यहाँ महाराजा जय सिंह का शासन हुआ करता था। वर्तमान समय में इस किले का मरम्मत का कार्य चल रहा है। इस किले में आने के लिए दुपहिया वाहनों को केवल शनिवार और मंगलवार के लिए ही छूट मात्र है, क्योंकि यहीं पर पास में चक्रधारी हनुमान जी का मंदिर भी है। अन्यथा आप अपने निजी वाहन से किसी भी वार को आ सकते हैं। दुपहिया वाहन की टिकट 20 रुपये और चौपहिया वाहन की टिकट 50 रुपये है, और इसी के साथ प्रत्येक व्यक्ति की 10 रुपये टिकट लगती है। अगर आपके पास कोई निजी वाहन नहीं है तो यहाँ पर आपको साधन मिल जाएंगे जिनके टिकट 1822 रुपये है, उसी के साथ 10 रुपये प्रति व्यक्ति का भी चार्ज लगता है। किंतु यहाँ से लिए गए साधन से हमें यह सुविधा मिलती है, वह हमें न केवल बाला किला बल्कि अन्य स्थानों पर भी घुमा देता है। राजा के समय में यह स्थान रानी का महल हुआ करता था। वर्तमान समय में यहाँ मरम्मत का कार्य चल रहा है। यहाँ से बाहर की ओर आने पर आपको कुछ इस तरह का नज़ारा देखने को मिलेगा। यह एक कुंड है जहाँ पूरे महल का पानी उस समय में इकट्ठा हुआ करता था, जो कि बाद में सिलीसेड़ नदी में जाकर मिल जाता था। यहाँ पर मौजूद तोपें ज्यों की त्यों आज तक सुरक्षित रखी हुई हैं। वर्तमान समय में यहाँ जो अब मरम्मत का कार्य चल रहा है, कहा जा रहा है कि महाराजा जय सिंह से जुड़ी जो रॉयल्स रॉयस कार का कलेक्शन है वो भी यहाँ रखी जाएंगी। बाला किला में ही स्थित यह श्री राम और सीता जी का मंदिर है। ये जो मूर्तियाँ हैं वो बेहद ही कीमती धातु से बनी हुई है। यहाँ राम जी की मूर्ति नीलम से तो सीता जी की मूर्ति सोने से बनी हुई है। इसी
इसी मंदिर के बाहर की ओर आपको यह तोप देखने को मिलेगी जो कि महाराजा जयसिंह द्वारा अष्ट धातुओं से मिलकर बनाई गई थी ताकि यह दूर तक वार कर सके, किंतु यह तोप ठीक से कार्य नहीं कर पाई। इस कारण इस तोप को काट दिया गया और इसका नाम रखा गया नाका तोप। तो दोस्तों, कैसी लगी ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं।